और आज की वीडियो में मैं आपको इनका 1100 स्क्वायर फीट का जो टू बेडरूम अपार्टमेंट है उसका मैं एक हाउस टूर जो है एक डिटेल हाउस टूर जो है वो मैं आपको करवाने के लिए आया हूँ। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम अपने टूर को। ये जो है इसकी एंट्रेंस है टू बेडरूम अकोमोडेशन की। सामने जो इसका 8 फीट वाइड का जो कॉरिडोर है, कॉरिडोर से आप अपने अपार्टमेंट के अंदर जो है एंटर होते हैं, और एंटर होते साथ ही आपको ये 14x17 का एक अच्छा खासा लिविंग एरिया जो है आपको मिलता है। आप इसको लिविंग एरिया के तौर पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या आप इसको एज ए टीवी लाउंज जो है आप वो इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद एंट्रेंस के साथ ही आपको 4x6 का एक छोटा सा पाउडर रूम जो है वो आपको दिया गया है, ताकि आप गेस्ट वगैरह हैं तो यहाँ उसको वो यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। पाउडर रूम के साथ ही आपको 12x7 का एक किचन जो है वो इसके अंदर आपको जो है वो दिया गया है। इसका किचन का एरिया है और इसके अंदर तमाम किचन एक्सेसरीज जो हैं, इसकी कैबिनेट्स वगैरह, सिंक एरिया, सारी चीज़ें, बेसन वगैरह, सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर आपको दी गई हैं। किचन के अंदर एक छोटी सी स्पेस आपको दी गई है आपका फ्रिज रखने के लिए। अंदर ही आपको इलेक्ट्रिक कनेक्शन जो है वो दिया गया है, और ये एरिया आपको दिया गया ताकि आप अपनी फ्रिज वगैरह जो है वो यहाँ पर आप उसको प्लेस कर सकें। किचन से हम लोग बाहर आएंगे तो उसके बिल्कुल साथ ही 12x14 का इनका बेडरूम जो है वो यहाँ पर आपको दिया गया है। इसका पहला बेडरूम है टोटल, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 बेडरूम है इसके अंदर, तो ये पहला बेडरूम है। 12x14 जो है वो इसका साइज़ है। और यहाँ से आपको, ये एक विनर का अपार्टमेंट है, तो यहाँ से आपको अंदर कोर्ट यार्ड का व्यू जो है वो यहाँ से आपको देखने को मिलता है। इस बेडरूम के अंदर ही इसकी कैबिनेट्स वगैरह जो है सॉलिड वुड की कैबिनेट्स जो है वो इसके अंदर आपको जो है वो दी गई हैं, ये आप जो देख सकते हैं। और इसके अंदर ही इसके साथ अटैच वॉशरूम जो है वो आपको देखने को मिलता है। ये वाला इसका जो है ये वॉशरूम है। पहले बेडरूम से हम लोग जो है ये बाहर आएंगे। पहले बेडरूम के साथ ही आपको इसके आउटर साइड के ऊपर एक बालकनी जो है ये दी गई है आपको, और इस बालकनी के अंदर बैठकर आप कोर्ट यार्ड का व्यू जो है आप वो यहाँ से एंजॉय कर सकते हैं। अगर ये आउटर की, अगर आपका आउटर का अपार्टमेंट होगा तो आप आउटर साइड का व्यू जो है और वहाँ से ग्रैंड जामा मस्जिद का व्यू भी जो है आपको देखने को मिलता है, तो आप उसका व्यू जो है वो वहाँ से आप एंजॉय कर सकते हैं। बालकनी से हम लोग अंदर आएंगे और इसका जो दूसरा बेडरूम है, दूसरा या आखिरी बेडरूम 12x15 जो है वो इसका टोटल साइज है इस बेडरूम का। इस बेडरूम के अंदर भी आपको इसी तरह से इसकी कैबिनेट्स वगैरह जो है वो इसके अंदर आपको जो है वो दी गई है, ये आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही जब हम लोग आगे आएंगे तो एक छोटी सी बालकनी जो है इसके लिए आपको जो है वो दी गई है। ये छोटी सी जो है इसकी बालकनी है, और इस बालकनी के साथ ही जो है आपको इसका वॉशरूम जो है आपको वो मिलता है। 2 बेडरूम है इसके अंदर, 2 जो हैं वो वॉशरूम है, पाउडर रूम है, इसके अलावा किचन, किचन का एरिया जो है वो इन अपार्टमेंट्स के अंदर जो है वो मौजूद है। 1400 स्क्वायर फीट इनका ग्रास एरिया है और 1100 स्क्वायर फीट जो है इसका नेट एरिया है, यानी कि जो एरिया आप यूज़ करते हैं, जो कवर्ड एरिया है वो 1100 स्क्वायर फीट है। इस अपार्टमेंट की खास बात यह है कि आप इसको फुल कैश के ऊपर भी आप जो है इसको बाय कर सकते हैं, और सेकंड ऑप्शन इसके अंदर पैरागॉन ने ये दिया है कि आप इसके अंदर 50% डाउन पेमेंट करके, कुछ यूनिट्स के अंदर आपको 50% डाउन पेमेंट का ऑप्शन जो आपको दिया गया है, 50% डाउन पेमेंट करके आप इनके अंदर जो है मूव इन कर सकते हैं, और बाकी की जो रिमेनिंग अमाउंट है आप उसको इजी इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर, या 5 से 6 माह का इनका तकरीबन जो इंस्टॉलमेंट प्लान है उसके अंदर आपको आप बाकी अमाउंट जो है उनको पे कर सकते हैं। इसके अंदर जो आपको बिजली नज़र आ रही है, बिजली जो है ये बहरे की बिजली है, और पानी भी जो है वो बहरे की तरफ से इनको जो है वो प्रोवाइड जो है वो किया गया है। और तकरीबन इस वक्त आज की डेट में, यानी कि हम लोग जुलाई के एंड के ऊपर तकरीबन आज हम लोग मौजूद हैं, तो इसके अंदर तकरीबन 28 फैमिलीज जो हैं आज की डेट में इसके अंदर जो है इन अपार्टमेंट्स के अंदर जो है वो मूव इन कर चुकी हैं। तो इसके अलावा इनके जो बाकी के जो इनके टावर्स हैं, टावर बी, सी और डी के अंदर आपको इजी इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर, यानी कि तकरीबन 1 साल से 1.5 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर भी आपको चीज़ें जो हैं वो मिल जाती हैं। तो इस हवाले से अगर आपको किसी किस्म की क्यूरीज हो, आपको बुकिंग वगैरह करवाना चाहते हो, तो उसके लिए आप दिए गए नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।